Sound. तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आजकल के ट्रेंड की, जो कि है जायरोस्कोप। बदमों को जायरोस्कोप सीखना है, बट साथ ही साथ स्नाइपिंग भी करनी है यार, तो उसी के बारे में आज मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई, बंदों को चाहिए क्या, मतलब जायरोस्कोप पे असॉल्टिंग करनी है, साथ ही साथ स्नाइपिंग भी करनी है भाई, अलग ही मतलब अलग ही स्वैग है। तो इसके लिए तुम लोगों को करना क्या है ना, मैं सिंपली तुमको बता रहा हूँ। कोई भी एक टारगेट ले लो, उस पर पहले एक स्नाइपर शॉट दो, कितनी जल्दी मारो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको स्प्रे कर दो। इससे क्या होगा मैं तुम लोग को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले तुम लोग को एक कोई भी खड़ा हुआ मत क्या बोल लूँ, कोई भी एक टारगेट पे एम करना है, उनको शूट करना है, शॉट लगे या ना लगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी एक जगह में मतलब स्टिल जो टारगेट है उस पर पहले तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, जैसे कि ये। तो भाई, इसके बाद जो इससे फ़ायदा क्या होगा कि कभी कभार जैसे ओपन में बंदा दौड़ रहा है कोई, फॉर एग्जाम्पल उधर पे बंदा दौड़ रहा है कहीं, उधर कहीं बंदा दौड़ रहा है, तो स्नाइपर से शॉट कनेक्ट करना सीरियसली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर तुम लोग स्नाइपर हो तो तुमको पता होगा ये कि रनिंग बॉडी शॉट लेना कितना, बॉडी शॉट या हेड शॉट लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसमें तुमको करना क्या है, बंदा दौड़ रहा है, स्नाइपर शॉट दो, जल्दी से गन स्विच करो, स्प्रे शुरू कर दो। यही है, इससे होगा क्या कि बंदा एक तो तुम्हारे स्नाइपर से एम करने में बहुत टाइम लग जाता है, और दूसरा जो असॉल्टिंग से होता क्या है कि बंदा इंस्टेंटली नॉक हो सकता है तुम्हारे स्प्रे से, अगर तुम्हारा स्प्रे अच्छा है तो। यही तो अब बात रही DMR और असॉल्टिंग की, तो पहले मैं DMR एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर DMR यूज़ करते हो तो तुम लोग को क्या सेंसी रखनी है और क्या कुछ करना है, सब बताता हूँ। तो DMR के लिए अगर तुम जायरोस्कोप यूज़ करते हो ना, बड़ी बात है बहुत, क्योंकि DMR में जायरो लिटरली बहुत हार्ड होता है। तो उसके लिए तुमको अपनी अगर सेंसी बताऊँ तो 4x की तुमको रखनी चाहिए 100 to 115। इससे ज़्यादा रखोगे तो तुम्हारा एम थोड़ा हिल सकता है, मूव हो सकता है। जैसे कि मेरी 4x की थोड़ी ज़्यादा है सेंसी, तो देखो एमिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और बाकी बात रही 6x की, तो अगर तुम 6x यूज़ करते हो उस पर क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम 6x यूज़ करते हो DMR के लिए, तो उसकी सेंसी तुम लोग को करीब करीब 120 से ऊपर ही रखनी है और 130 से नीचे। तो उससे तुम्हारा क्या होगा कि एमिंग उतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि 6x की मूवमेंट वैसे ही बहुत स्लो होती है। और बाकी ADS वगैरह तुम अपने हिसाब से कर लेना, ये जायरोस्कोप ट्यूटोरियल है, ADS नहीं। तो उसकी प्रैक्टिस, मैं DMR नहीं हूँ बट तब भी मैं DMR का वो ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, और मैं एक टाइम पर DMR चला चुका हूँ। तो इसकी तुम लोग को अगर स्पीड स्प्रेइंग करनी है ना, इसकी मतलब स्पीड स्प्रेइंग करनी है, जैसे कि ये स्पीड स्प्रेइंग करने की, उसकी तो प्रैक्टिस तुमको करनी पड़ेगी। शॉटगन से भी कर सकते हो तुम स्पीड स्प्रेइंग की प्रैक्टिस, S12 कैसे। तो भाई स्पीड स्प्रेइंग इज अ लिटिल बिट हार्ड, बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा यार। तो अगली बात करते हैं असॉल्टिंग की। तो यही मेन होता है जायरोस्कोप में असॉल्टिंग, बंदों को बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं असॉल्टिंग में, तो वो सारी डिफ़िकल्टीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो भाई पूरा देखना वीडियो को, ऐसे ही छोड़ मत देना, पहले तो मैं ये सब इकट्ठा कर लूँ। मैं M7 से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसका रिकॉइल थोड़ा सा हाई है। तो यह आ गई हमारी M762। तो इसका रिकॉइल के लिए मैं, मेरी रेड डॉट की सेंसी है 200, बहुत ही हाई, मतलब ज़्यादा हाई भी मत रखना कि तुम एम ना कर पाओ। स्टार्टिंग में अगर जरूर सीख रहे हो तो तुम स्टार्ट कर सकते हो 150 या फिर 125 से। मेरे को तो बहुत टाइम हो गया जायरोस्कोप में, तो इसलिए मैंने बढ़ा लिया। तुम धीरे धीरे अपने सेंसी इंक्रीज करते जा सकते हो।
अगर तुमको लग रहा है कि मैंने सेंस में अच्छे से सीख लिया है तो अपनी सेंस इंक्रीज कर लो बस। तो अब हार्डकोर असॉल्टिंग में होता क्या है, तुम लोग को अपनी फिंगर के साथ साथ स्क्रीन को नीचे को गिराना पड़ता है, देखो लाइक दिस। मेरे पे हैंड कैम नहीं है, बजट लेस हूँ, वैसे ही बड़ी मुश्किल से 1100 पर ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, वरना मेरे पे टाइम भी नहीं है आजकल। तो मैं तुम लोग को एक सिंपल सी टिप दूँ स्प्रेइंग के लिए, तो मैं यही बोलूँगा कि हर बार क्रॉच होकर स्प्रे करो, क्योंकि इससे तुम्हारा रिकॉइल 20% लो हो जाता है अगर तुम क्रॉच करके स्प्रे करते हो तो, लाइक दिस। और क्रॉच करके अगर तुम पीक करोगे तो और ही अच्छा है, बाकी अगर ज़्यादा दूर है टारगेट तो लेट के मार दो, इससे तो भाई 80% रिकॉइल कम हो जाता है लेट के मारने से। तो अब स्प्रेइंग करनी कैसे है, तुम लोग को सबसे पहले तुम लोग को मेरे ये फिंगर प्रोजेक्शन दिख रहा होगा तो उसको ध्यान से देखो, तुम लोग को अपनी स्क्रीन स्लाइटली नीचे को ले जानी है और अपनी फिंगर थोड़ा सा तेज स्क्रीन से तेज अपनी फिंगर नीचे को ले जानी है तुमको, देखो। तो समझ ही गए होगे भाई, अभी तक तो उतना अच्छे से तो समझाया नहीं मैंने, पर तब भी तुम लोग को अगर वीडियो हेल्पफुल फाइंड आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।